नमस्कार मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों हर महीने की तरह ये दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा क्या क्या इसमें मोड़ आएंगे क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे क्या क्या लाभ हानि होंगी कैसे हम उनसे बच सकते हैं तो वो जानकारियां मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं तो कन्या राशि वालों के सबसे पहली बात तो ये है बृहस्पति आपके नवम स्थान में है धर्म के अंदर रुचि रहेगी भाग्य की वृद्धि होगी कोई भी धार्मिक यात्रा कोई या कोई लाभकारी व्यापारिक यात्रा भी आपकी जो है संभव है और ये बृहस्पति मन को शुद्ध सात्विक बनाए रखेंगे पढ़ने वालों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे पढ़ने वालों के परिणाम इस समय पर अच्छे आएंगे पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा और नए मित्र और भाइयों से सहयोग जो है आपको हो सकता है राहु आपके सप्तम स्थान में है पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगर कोई संबंध आपका नया नया बना है अभी शादी नहीं हुई सगाई हुई है तो इतना जो है सावधानी आपको बरतिए कि अपना कोई व्यवहार अपनी कोई वाणी ऐसी ना कर लें क्योंकि इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का विवाद हो करके और संबंध टूटने के योग बनेंगे मंगल आपके ग्यारहवें स्थान में है कर्क राशि के अंदर है नीच राशि के अंदर है और ग्यारहवें स्थान के जो मंगल है वो आपको लाभ भी देंगे और लाभ के अंदर रुकावटें भी डालेंगे लेकिन कुल मिलाकर के एवरेज इसका फल आपको प्राप्त होगा शनि आपके छठे स्थान में है अपनी राशि के अंदर है कोई भी पुराना विवाद अगर चला आ रहा है तो विवाद वो आपका सुलझ सकता है और मुकदमे के अंदर कहीं ना कहीं विजय आपको प्राप्त हो सकती है तो ये स्थिति आपके शनि की है पंद्रह दिसंबर तक आपका समय बहुत बढ़िया है लेकिन पंद्रह दिसंबर से महीने के अंत तक का समय कुछ चिंताजनक चलेगा सूर्य आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे तो उस समय पर सूर्य का दान और सूर्य के मंत्र का जाप ये जो है आपको करना चाहिए सूर्य को अर्घ देना ये आपको करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो सके अब मैं आपको दैनिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूं तो एक और दो तारीख ये बहुत अच्छी है नए मित्रों का सहयोग इसमें प्राप्त होगा भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा कहीं विजय की जो है आशा और समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं तीन चार तारीख के अंदर ये आपके लिए थोड़ी चिंताजनक रह सकती है इसके अंदर कोई भी अकारण चिंता होगी तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए दूध का दान करें इससे आपको लाभ हो जाएगा पांच छह तारीख ये पढ़ने वालों के लिए इंटरव्यू वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुंदर और सुखद परिणाम देने वाली है सात आठ तारीख किसी भी विवाद से आपको बचना होगा किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है 9 दस तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी है इसके अंदर पति पत्नी प्रेमी प्रेसी इनके अच्छे संबंध रहेंगे दो पार्टनरों के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे और आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा लेकिन 11, 12, 13 तारीख इसमें आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो शिव की आराधना दूध का दान ये आपको उस समय पर करना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये छह दिन इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में से आपको कहा जा सकता है रुके हुए जितने भी कार्य है वो संपन्न होने की सफल होने की इस समय पर आशा है तो इस समय आपको तत्परता बरतनी चाहिए किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको भागदौड़ पूरी करनी चाहिए कोई नया व्यापार खुल सकता है कहीं की दूरगामी कोई यात्रा आपकी हो सकती है और राज्य के अंदर कहीं लाभ हो सकता है और धन का आकस्मिक रूप से आपको लाभ हो सकता है बीस इक्कीस बाईस तारीख को आपको ध्यान रखना चाहिए धन का नुकसान संभव है कोई कि किसी प्रकार का देन लेन आप ना करें या कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें लेकिन तेवीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस तारीख तक उनतीस तारीख तक ये आपके लिए इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा को देने वाला परिवार में खुशियां खुशियों को देने वाला धन का लाभ इसके अंदर होने वाला नए मित्र बनाने वाला ये ऐसा समय है अब आगे तीस इकतीस तारीख आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है तो दूध का दान करें शिव जी की आराधना करें तो ये जानकारी जो हमने आपको दी तो जिनकी जन्म की कन्या राशि है ये उनके साथ में मेल खाएगा और जिनके नाम से कुछ भी नाम रख लिया गया है उसमें कन्या राशि है मेल खाए ये कोई जरूरी नहीं है बाकी जानकारियों के लिए अगर जन्म की तारीख है महीना है सन है समय है और जन्म स्थान है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय ले की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित या अपनी किसी भी समस्या से संबंधित आप जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं नमस्कार